Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before sharing my story, above all, I praise Almighty Allah for this opportunity, and then my parents, and then Samad Bhai for whoever I am today. Thank you, Samad Bhai. Basically, main agar baat karu, main kaun hu? Main kaun thi? I was a person who was broken down emotionally, financially, and from all dimensions in my life. मैं एक ऐसे इंसान जो दिखने में सबको खुश लग रही है, बोलती ज़्यादा है, अभी बोलती है, पढ़ने में अच्छी है, लोगों की मदद करती है, but at the other end of her life, the day, at the end of the day, she was always thinking कि ज़िंदगी में मसले बहुत हैं, I should surrender to life. Every day, most of the time, मुझे ये ख्याल आता था कि मुझे ज़िंदगी से हार मानना चाहिए. क्योंकि I was 9 years old when I lost my mother and मैं सबसे बड़ी हूँ अपनी फैमिली में, so मुझ पे एक socially एक ज़िम्मेदारी आ गई कि मैंने अपने बहन भाई का हाथ बनना है, उनका साथ बनना है. Then I realized my father who was going through an emotional trauma because we spent all our savings on my mother's treatment, but unfortunately it's the divine that has planned the best for us. She couldn't survive. She passed away in a heart attack. मैं डिप्रेशन में चली गई और I was given मुझे दवाइयाँ दी जाती थी कि मैं डिप्रेशन में ना जाऊँ. They were usually seducing जो हमें नींद मिले जाती हैं और फिर हम आराम से होते हैं एक जगह. Because I used to run away from home और मैं पढ़ती नहीं थी, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था. Because my teachers were concerned कि एक टॉपर जो बहुत अच्छे मार्क्स लाती है, how she can be a failure just in a gap of 1 month. This story continues till 8th class when I got admitted into a school that is Akhan Higher Secondary School Hunza, जो कि most reputed है मेरे region में, और इसके admission के लिए मैं बहुत मेहनत करनी होती है. When I got into the school, I realized कि ये इसके जो financial जितने भी burdens हैं वो मेरे father बर्दाश्त नहीं कर सकते. I had my stepmother, alhamdulillah we are a good family, but उस time मुझे बहुत सारी hardships देखनी पड़ी. मुझे सुबह उठ के गाय का दूध दोना, घर में नाश्ता कभी बनाना, बहन भाइयों को स्कूल भेजना, फिर खुद स्कूल कॉलेज जाना, वापस आके ट्यूशन पढ़ाना, देन कम्युनिटी सर्विस के लिए जाना. एट द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक व्हेनेवर आई गॉट द माय बेड, मैं नींद की आगोश में चली जाती थी. बट कभी कभी वो नींद की आगोश में मैं जब उठती थी नींद से, मुझे हमेशा ये ख्याल आता था कि दिन भर मैंने इतना काम किया, मैं खुद पर कुछ नहीं कर रही हूँ और ज़िंदगी सिर्फ मुश्किल का नाम है, मुझे सरेंडर करना चाहिए. बिकॉज दिस वॉज माई बिलीव देन बैक देन. माई फादर इज़ अ रिजिड गाई और वो रूल्स बहुत फॉलो करते हैं. 3 बार हम एक चीज़ समझाएंगे, यू हैव टू डू दिस, अगर हम नहीं कर रहे हमें डांट पड़ती है और सही वाली डांट पड़ती है. जब भी वो हमें डांटते, आई वॉज लाइक अच्छा मेरी वजह से सब प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए. एंड आई ट्राइड मैनी टाइम्स, लाइक मोर देन 3 ट्राइज. देन सेकेंड ईयर के बाद मैं चली गई यूनिवर्सिटी. आई अगेन फेस द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टाइम में मैं घर के काम मेरे इतने होते थे कि गाय के दूध दोना, खाद निकालना, साफ करना, खेत में आलू बनाना, ऑल दैट स्टफ आई हैव डन विद माय ब्रदर. तो मेरे हाथ बहुत गंदे होते थे, इतने कि वो जो लकीरें हमारे हाथ में हैं वो बिल्कुल मेली हो जाती थी और इनको धोने से ये बिल्कुल साफ नहीं होती थी. आई वॉज लाइक ह्यूमिलिएटेड इन माई स्कूल कि ये हाथ धोए बगैर आती है, बहुत गंदी बच्ची है. And my health and physical education teacher once took me to the washroom and she said, मेरे सामने हाथ धो लो. And मैंने जब उनके सामने 3 बार हैंड वॉश लगा के हाथ धोया, मेरे हाथ साफ नहीं हुए. Then she realized कि हाँ इसका है कुछ मसला, ये कुछ करती है. उसके बाद वो मुझे नहीं छेड़ती थी. Then I got into university, but still I was a complainer. And then Markhor happened. Yes. And Markhor जब हुआ तो Markhor ने मेरी दुनिया बदल डाली. Because then I realized ज़िंदगी शम्मा की सूरत है खुदाया मेरी, कि जब फ़ाइज़ा मरेगी, फ़ाइज़ा सिर्फ फ़ाइज़ा के साथ फ़ाइज़ा नहीं मरेगी, फ़ाइज़ा के साथ उसका बाप भी, उसके बहन भाई, उसके घर वाले, उसका पूरा माशरा मर जाएगा. बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ एंड आई हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. वो बोन फायर जिसमें कल आप बेदार हुए, कल हम सब बेदार हुए, दिस इज़ माई थर्ड Markhor एंड एवरी Markhor इज़ लाइफ चेंजिंग फॉर मी. उस पर मैंने रियलाइज किया कि यार आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ माई लाइफ. Markhor के बाद मैं गई एंड थैंक्स अगेन टू माय शेफर्ड तंजील अंजुम और टू द यूथ इम्पैक्ट एंटायर टीम, जिन्होंने हमें टास्क दिए कि आपने यहाँ से निकल के इतने इवेंट्स करने हैं, ठीक है. तो हमने
बहुत सारे इवेंट्स कर लिए. आई वॉज रिकॉग्नाइज एज द मास्टर ट्रेनर. उसी इवेंट्स में जब हम अपने एक टारगेट अचीव करने के लिए यूथ इम्पैक्ट के इवेंट्स करा रहे, यानी छोटे छोटे वर्कशॉप्स करा रहे थे, लीडरशिप पे ट्रेनिंग्स दे रहे थे. अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर मार्खोर आई हैव रीच्ड अराउंड 5,000 यूथ इन द स्पेन ऑफ 3 years बाई ट्रेनिंग देम इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ, रेंजिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ 8 years टू यूथ ऑफ 35 years अक्रॉस पाकिस्तान. टुडे आई एम रिकॉग्नाइज्ड एज अ trainer in Aga Khan Youth and Sports Board and in my community. I have particularly worked with many people jin mein abused victims hain, jin mein financially, socially, bahut sare domains mein disturbed log hain. I realize ki main jo kar rahi hu mujhe karna chahiye, and alhamdulillah aaj main jo bhi hu is this is my fault, and mere sath jo hua hai I don't want this to happen with others. So we have started an initiative Nanni Kavish ke naam se. I and my brother, who has always remained he has also remained alumni of Youth Impact and event, to hum dono ne milke ye kaam shuru kiya hai ki hum hamare sath jo hua hai wo kisi aur ke sath na ho, because hum apni zindagi ka fayda nahi uthayenge to hamare zindagi ka galat fayda uthaya jayega. And I always realize jab bhi main इमोशनली डाउन हूँ, जब भी मेरे साथ कोई मसला हो कि जिंदगी शम्म की सूरत है, खुदाया मेरी, मैं जो गलत स्टेप उठाऊंगी या जिसका मैं उठाने का मैं सोच रही थी, उसकी वजह से मैं सिर्फ नहीं मरती, मेरे पूरे पाकिस्तान को नुकसान होता. बिकॉज आज मैं ज्यादा नहीं कर सकती तो मैं 3-4 लोगों की जिंदगी तो मैं संवार सकती हूँ, उनकी मैं हेल्प कर सकती हूँ. अगेन थैंक यू सो मच.